हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी माय यूट्यूब चैनल तनवीर खान ब्लॉग्स एंड यू आर वाचिंग तनवीर खान। क्या बोल रहे हैं? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आया हुआ हूँ घर से थोड़ा बाहर। मैं आया हुआ हूँ भेरिया में, और भेरिया के सीन्स हैं, ये भेरिया के सीन्स हैं भाई, भेरिया के सीन्स हैं। हल्के में नहीं लेना। ओ यार यार, मैंने एक भाई ने मेरे से पूछा था यार कि आपने कैसी, मतलब आप कैसी वीडियो बनाते, कोई आपका वीडियो का कोई कंटेंट ही नहीं है। तो यार भाई, कंटेंट होना लाजमी है, ये मैं मानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। कंटेंट जब तक नहीं होगी आपकी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आएंगे, लाइक नहीं आएंगे। पर यार व्यूज़ और लाइक से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस वीडियो बनाने का शौक़ था, तो भाई हम वीडियो बना रहे हैं। और यार पिछले, मतलब 2018 के 20 दिसंबर पे हुआ था दानिश जहन भाई का एक्सीडेंट, जो क्या वो मतलब अजीब किस्म की लोग अफवाहें फैला रहे थे, यू नो। और यार मुझे बस वो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे यार, मुझे बस इतना कहना है यार कि उसके बारे में ना कोई उल्टी सीधी बात मत कहो यार, वो इंतकाल फरमा गए, अभी उनके लिए दुआ करो बस यार। बस वो लोग होते हैं ना, मतलब कैसे यू नो कि यार उनकी, उनका नाम टाइटल डाल के, सब टाइटल डाल के, थंबनेल डाल के उनकी के व्यूज़ पाते हैं यार। व्यूज़ पाने का मकसद नहीं है, असल मकसद है इंसानियत, जो कि यार इंसानियत लोगों में मर गई है व्यूज़ हासिल करने के लिए। तो यार मैं बस इतना ही कहूँगा दोस्तों से कि यार बस इतना इनके लिए बस दुआ करें, तो और इनकी जो अच्छी आदतें थी वो शेयर करें, लोगों को बताएं कि ऐसे थे और ऐसे नहीं थे ना, कि उनको यार मतलब समझ ही गए होगे आप। ओ यार वैसे मैं आया हुआ था इधर भेरिया टाउन घूमने आया था, घूमने नहीं मतलब आए थे रेस्टोरेंट पे, तो यार मूड बन गया कि भेरिया घूमते हैं, तो हम आए हैं भेरिया, आपको दिखाएंगे क्या बस दिखाते हैं। चलिए तो ये है भेरिया, तो ये कार्निवल पार्क है, आपको दिखाता हूँ, देखिए। इस पार्क की मेरे को सबसे अच्छी जो, मतलब पार्क नहीं मैं उसकी बता रहा हूँ आपको, भेरिया टाउन की जो अच्छी सबसे अच्छी चीज लगी थी मेरे को, वो लगी थी कि एशिया की दूसरी बड़ी मस्जिद ग्रैंड मॉस्क वो है भेरिया टाउन में, जिसमें तकरीबन 10,00,000 नमाजी एक टाइम में नमाज पढ़ सकेंगे इंशाल्लाह। बस यार, और ये माशाल्लाह से मलिक रियाज का मंसूबा था। ओ यार मलिक रियाज को तो आप जानते होंगे, यू नो जिनकी कराची किंग्स टीम थी। ओ यार माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आई सी डेट। एंड यार आप आइए, मस्ट विजिट कीजिए, जगह बड़ी ब्यूटीफुल है, लेकिन दिन के टाइम आइए तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि यार अभी ये देख रहे हो आप, ये मतलब जो बने हुए हैं, ये देख रहे हो आप आर्किटेक्चर बने हुए, तो ये यार वैसे तो इन पे एक ब्राइट लाइट पड़ती है जिनकी वजह से बहुत ग्लो हो जाते हैं। तो ये एक राइट साइड पे एंट्रेंस से और एक लेफ्ट साइड पे। तो और आज सबसे मेन बात तो ये हैरानी की बात ये कि इन्होंने अपना गेट बंद किया हुआ है, एंट्रेंस गेट जो फर्स्ट गेट है बंद किया हुआ है, सेकेंड फर्स्ट गेट से इन्होंने एंट्रेंस की हुई है अभी। लेकिन यार फर्स्ट मतलब जो सेकेंड गेट है, जो मेन गेट है भेरिया टाउन का, मस्त यार मस्त ही है, मतलब उसके सीन्स कुछ अलग हैं। वैसे पार्क देखे ना, पार्क के सीन्स भी कुछ क्रेजी हैं। यार कोई लगी हुई है कोई मूवी, आई थिंक इंग्लिश की है, बस यार कॉपीराइट नहीं करना भाई है। और यार बस मुझे यार ऐसे वीडियो बनाने का शौक वैसे हुआ था इरफान भाई को देख के, इरफान जुने जो से तो आप वाकिफ ही होंगे, तो यार उनको देख के मुझे शौक हुआ था। और यार ये अभी हम आ गए हैं पार्क से निकल के, थोड़ा सा यार ये अपना जहाँ यार जो कपिल्स वगैरह या वो होते हैं, जो बैठ के आराम कर सकें, रेस्ट कर सकें या लंच कर सकें, एनीथिंग डिनर वो हो चुके हैं। तो देखिए वीआईपी फैसिलिटीज़ है, मतलब भेरिया ने यार जो हमारे जो वो होंगे
अक्सर यहाँ फॉरनर भी आते हैं यहाँ पे, मतलब काफ़ी तारीफ की। एक दिन मैंने देखी थी वीडियो, पता नहीं कल रॉक केलरिंग जॉन रॉक ऐसे कोई नाम था उनकी, तो उनकी एक वीडियो बनी हुई थी बेलिया टाउन पे एज कम्पेयर टू दुबई। तो यार ये मलिक रियाज साहब ने जो ये कंपेयर करके बनाया था, ये दुबई के कंपेयर करके बनाया था बेलिया टाउन, तो यार मज़ा आ रहा है, काफ़ी चिल सीन है, सुकून ही सुकून यार। जिस कितनी है तो यार फ्राइडे बग यार है कोई नहीं फिलहाल, तो खाली है हम हैं, तो हम जब आते हैं तो सारी चीज़ें खाली हो जाती हैं। और LCD के नीचे यार एक अजीब सी पेंटिंग हुई हुई है, देख रहे हो? नहीं दिख रही होगी आई थिंक सही से, चल के देखते हैं यार, लग रही तो बड़ी 3D पेंटिंग लग रही है, भी है चलो देखते हैं, उसके सीन्स भी कुछ अलग हैं ब्रो। तो भैया सीन्स कुछ ऐसे हैं यार, मतलब क्या LCD इतनी बड़ी, दूर से तो यार मतलब स्मॉल लग रही थी, मतलब 150 या 150 फीट की होगी तकरीबन यू नो, आप गेस्ट कर लो यार कमेंट में बता देना कितने फीट की है। देख लेना, और यार पेंटिंग बड़ी हुई है इतनी जबरदस्त है माशाल्लाह से यार। 3D मतलब अभी तो पुरानी हो गई है वैसे, इसको बने हुए तो काफ़ी अरसा हो गया, आई थिंक 4 साल तो हो ही गए होंगे यार। ब्राइट हुआ पिक्चर देखिए, क्या पिक्चर क्या बनाई है यार 3D इफेक्ट्स की यार, मतलब क्या यार ये अभी। और यार कुछ लोगों से मैं कहना चाहूँगा यार भाई, कोई क्या है, एक मेरा दोस्त है वो भी चाह रहा था कि यार मैं यूट्यूबर बनूँ, बड़ा व्लॉगर बनूँ यार। तो आई जब आप व्लॉगिंग करोगे ना, तो आप ये मायने नहीं रखो कि आपको व्यूज़ चाहिए और सब्सक्राइबर यार, ये तो अगर आप दिल से वीडियो बना रहे हो ना, तो ये सब भूल ही जाओ, सही है। और बाकी ये भी सीन्स यहाँ के भी कुछ VIP कम नहीं है, मतलब VIP है। तो यार इसी के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ, आपका होस्ट तन्वी खान, मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।